Hey guys, so, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो इम्पोर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक देखना, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही साथ बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ओके, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते तो वो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। आप हमें इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइस, ये बात तो मैंने आपको काफी वीडियोस में बताया है कि BTS के बहुत ही ज्यादा हेटर्स हैं, लेकिन आज मैं आपको BTS के एक ऐसे प्रोफेशनल हेटर के बारे में बताने वाली हूँ जिसको कि हम सेलिब्रिटी ना ही बोले तो ही अच्छा है, ओके। लेकिन वो एक अमेरिकन रैपर है एंड इतना ही नहीं, इस इंसिडेंट के बाद ना जितने भी आर्मीज हैं सबका कहना है कि इसलिए हम बोलते हैं कि जो अमेरिका है वो बहुत ही ज्यादा रेसिस्ट है। रिसेंटली आपने एक न्यूज सुना होगा तयोंग का, मैंने अभी तक उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया है, बट आप बोलोगे तो बना दूंगी। तो आपने देखा होगा कि गर्मी में तयोंग ऐसे यू नो एक मूव करते हैं खांसी वाला, एंड उस पे एक अमेरिकन टीवी स्टार ऐसे करके वीडियो बनाती है, लाइक उसको ऐसे एडिट करती है जिसमें दिखाया जाता है कि वी ने वहां पे आसपास के लोगों को कोविड फैला दिया। मींस उस वीडियो के माध्यम से वो ये संदेश देना चाहती थी कि जो कोरियन लोग है ना वहां पे कोविड ज्यादा है एंड वी ने यहाँ पे भी कोविड फैला दिया है, जिसके बाद जितनी भी आर्मीज थी सबने डिमांड किए कि उनको माफी मांगना है वी से। ओके, वेल यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो एक अमेरिकन सिंगर है, हम कह लिए एक रैपर है, इन्होंने ना BTS के बारे में बहुत ही ज्यादा बकवास चीजें बोली है। ओके, इन्होंने ना सिर्फ BTS के बारे में बकवास चीजें बोली है बल्कि BTS को इन्होंने चाइनीज भी बोला है। ओके गाइस, मैं आपको बता दूं कि इनका नाम है जोय बुडेन एंड ये BTS के एक प्रोफेशनल हेटर है। आप अगर गूगल पे चाहे यूट्यूब पे देखोगे तो इनका नाम सबसे आगे आएगा कि ये BTS को बहुत ही ज्यादा हेट करते हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो जॉय बुडन है ना, इन्होंने अपने एक एपिसोड पॉडकास्ट के एपिसोड में बोला कि ये BTS को बहुत ही ज्यादा हेट करते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि ये 41 साल के एक ओल्ड अमेरिकन यू नो रैपर है, सिंगर। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जब जॉय ने बोला कि ये BTS को बहुत ही ज्यादा हेट करते हैं तो जो इनके आसपास इनके कोवर्कर थे उन्होंने पूछा कि क्या वजह है कि आप BTS को बहुत ही ज्यादा हेट करते हो। देन यहाँ पे इन्होंने बोला कि मुझे कोई रीजन की नीड नहीं है, बस मैं BTS को बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ। यहाँ पे जॉय ने बोला कि मैं उनके नॉनसेंस को बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ, उनके डांस मूव को, उनकी सिंगिंग को, एंड मैं उन लोगों को नहीं देखना चाहता कि वो अम्ब्रेला लेके स्काई से नीचे आए। आपने देखा होगा BTS के कॉन्सर्ट में यू नो ऐसा, तो सोचो कितने अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं BTS को, देखिए जो जॉय है कितने अच्छे से BTS को ऑब्जर्व करते हैं एक एक चीजें। एंड यस, साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि मैं नहीं देखना चाहता हूँ लेकिन ये देखते हैं, एक एक डिटेल पता है इनको। एंड यस, ये जो इन्होंने परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात की थी, ये ऑस्कर परफॉर्मेंस की बात हुई है जो कि बैंक्स ने संडे के दिन किए थे। एंड काफी अच्छे से इन्होंने डिटेल बताया, लाइक जितनी भी चीजें BTS करते हैं ना ऑडियंस के बीच जाते हैं एंड आते हैं, तो इन्होंने बोला कि आई डोंट वांट टू सी दिस शिट नॉनसेंस। ओके, जो इन्होंने आगे बोला कि मुझे पता है वो लोग बिग है, मुझे पता है वो लोग चाइनीज है, वो लोग चाइना के हैं, मैं इन लोगों को देखना नहीं चाहता हूँ। जिसपे ना उनके को होस्ट ने उनको बताया कि वो लोग चाइनीज नहीं, वो लोग कोरियन है। इस पे जॉय ने बोला कि हाँ वो कोरियन है तो मैं उनको नहीं देखना चाहता उन कोरियंस को, एंड SYNC करके उन्होंने बोला है। सो यहाँ पे आर्मीज ने ट्विटर पे इस पे रिएक्शन दिया है, एंड एक आर्मी ने बोला कि क्या सच में जॉय ने बोला है कि जो BTS है वो चाइना से है। तो यहाँ पे उस आर्मी ने बोला है कि मैन, अगर आप किसी को हेट करते हो तो पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो एंड आपको पता होना चाहिए वो कहाँ से है। एंड काफी आर्मीज का कहना था कि वो BTS के बारे में सुनना भी नहीं चाहते हैं एंड उनको एक एक डिटेल पता है। ओके, एंड सही बात भी यही है। सो गाइस, आपका क्या कहना है आप मुझे बता सकते हो कमेंट के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यस, मुझे पर्सनली ये लगता है कि इन्होंने बस अटेंशन के लिए ऐसे किया है, बिकॉज वी ऑल नो कि BTS कितना बिग बॉय बैंड है, तो ऑब्वियसली अब वहां पे अगर इन्होंने BTS को हेट किया तो जितनी भी आर्मीज है वो जाएंगी, इनको उल्टा सीधा सुनाएंगी जो भी है, एंड ये वही तो चाहते हैं कि इनको अटेंशन मिले। सो बस यही बात है। ओके, सो आप BTS हिंदी वाले चैनल पे भी जाके देख लेना। बाय, टेक केयर।